नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे कुकिंग क्लासी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटे के लड्डू की रेसिपी। से बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही झटपटी बनके तैयार हो जाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलो चलते हैं आटे के लड्डू बनाने। आटे के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर करीब 4 कप आटा लिया है, मैंने कटोरी से मापा है तो 4 कटोरी यहाँ पर मैंने आटा लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था और अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी भर के घी। अगर कम पड़ेगा तो मैं बाद में डाल लूँगी। अभी मैंने यहाँ पे इस कटोरी से मैंने 4 कटोरी आटा लिया था, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी भर के यहाँ पे घी का यूज़ करा है। और मैं अच्छे से इसे भून लेती हूँ घी के साथ। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। अब होली पास ही आ रही है तो आप इस तरह से ये लड्डू मिठाई बना के रख सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो आप उसे देंगे, बहुत ही पसंद आएंगे उसे। बहुत ही आसान भी होते हैं और घर की सामग्री से ये बन के तैयार भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप ऐसा नहीं कि होली पे, आप कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने लिए इसे बना के रख सकते हो। ये कम से कम 15 से 20 दिन चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे को अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे का कलर कितना चेंज हुआ है। तो इसी तरह चलाते हुए हम आटे को अच्छे से भूनेंगे। बस हमें आटे को अच्छे से भूनना है कुछ भी। हमें देखो, आप देख सकते हैं आटे का कलर कितना चेंज हो रहा है। जो इसमें थोड़ी बहुत है गांठें हैं ना, उनको भी मसलते हुए हम आटे को भून लेंगे। यहाँ पर डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने काजू डाले, बादाम डाले हैं 15-20, जिन्हें मैंने लंबा लंबा काट लिया था पतला पतला। ड्राई फ्रूट मैं इसी टाइम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट भी हल्के से भुन जाएंगे आटे के साथ में, जिसमें इनमें भी अच्छा सा क्रंच आएगा। आप चाहें तो भून के अलग से भी डाल सकते हो, लेकिन ये हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया है। इसको मैं फिर से भूनने लग गई हूँ आटे को। आटा जब तक अच्छी सी खुशबू ना आए और आटे का कलर डार्क ना हो जाए, जब तक हमें आटे को अच्छे से भूनना है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप आटे ने कच्चा छोड़ दिया तो लड्डू में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कलर चेंज हुआ है आटे का। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से अलटते पलटते हुए आटे को अच्छा सा भून लूँगी। तो यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से भून के हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कितना कलर चेंज हुआ है। बस मैं इसे थोड़ी देर और चला देती हूँ। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे तले में जो हमारा आटा है वो लग जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए मैं अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। बस बंद करने के बाद भी हमें थोड़ी देर से मिलाते रहना है। यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने निकाल दिया इसे एक परात में, ठंडा हो गया है ये। अब इसमें हम मिला लेते हैं पूरा। 2-3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। जिस कटोरी से मैंने 4 कटोरी आटा लिया, उसी से मैंने घी लिया था, उसी से मैं यहाँ पर बूरा ले रही हूँ, मतलब पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप 3 कटोरी भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें यहाँ पे और घी डाल लूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसमें एक कटोरी ही घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हाथ की सहायता से इसी तरह से मैं इसे मिला लेती हूँ, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं 1 कटोरी घी और डाल देती हूँ। घी को मैं यहाँ पर ता लिया है, मतलब यहाँ गर्म करके मैंने घी डाला है। इसको घी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अगर उसके बाद ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और घी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तो उसे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पे और घी ले लिया 1 कटोरी भर के गरम करके। अभी मैंने इसमें 1/2 कटोरी ही घी डाला है। ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें और घी डाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें घी का थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं ये। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाले हैं काजू और किशमिश, थोड़े से बादाम और किशमिश, और ये अच्छे से बनने लग गया है अब। और मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। छोटे छोटे साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बड़ा या छोटा। तो कुल मिला के इसमें 2.5 कटोरी घी लग गया, 2 कटोरी बूरा और 4 कटोरी आटा लगा है। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस से कोई भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लड्डू बांध लेती हूँ। देखो एकदम गोल गोल लड्डू बन के तैयार हुआ है, खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगेंगे ये। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ एक प्लेट के ऊपर। इसी तरह से सारे लड्डू बना के मैं एक एक करके तैयार कर लूँगी। मैं छोटा साइज रख रही हूँ, आप चाहें तो बड़ा साइज भी रख सकते हैं लड्डू का। तो मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और लड्डू बन गया।
इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के जो है तैयार कर लूँगी। सारे लड्डू मेरे हो गए बनके तैयार। अगर आपको मेरे लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके लिए मैं ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।